हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल। चलिए पास्ता बनाते हैं। आज थोड़े से ऑयल को आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, उसको गर्म कीजिए। तो गर्म हो जाए तो इसमें जीरा, चीज, आंसरी, अनियन, अपने जैसा भी आपको टेस्ट में पसंद है उतना डाल दीजिए। मुझे बहुत कम डाला है बिकॉज आई एम यूजिंग ऑलरेडी मेड टोमेटो एंड गार्लिक अनियन पेस्ट, क्योंकि मैंने खुद तैयार किया है, जिससे कि टाइम थोड़ा सेव हो जाए। और ये गार्लिक बहुत ही ऑसम होता है। आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी कि आपको इसे कैसे तैयार करना है। और ये लगभग 1 वीक तक चल जाता है और एकदम फ्रेश रहता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए। चलिए अब हम अपने स्वाद के अनुसार, मैंने अपने स्वाद के अनुसार ये जो मैंने बना के रखा था टोमेटो गार्लिक अनियन पेस्ट, उसको डाल लिया है। अनियन को अच्छे से चला लीजिए ताकि सारे मसाले उसमें मिक्स हो जाए। फिर उसमें रेड चिली, टर्मरिक, जो भी आपके देसी स्पाइसेस होते हैं, बिकॉज आई एम मेकिंग दिस पास्ता इन देसी वे, मैं इसमें पास्ता मसाला यूज नहीं कर रही हूँ। तो टर्मरिक, धनिया पाउडर, जो भी आप डालना चाहें वो सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और सॉल्ट मैंने इसमें आपको लगेगा कि थोड़ा सा कम डाला है, बस बिकॉज जो मेरी ऑलरेडी बॉइल्ड पास्ता है उसमें मैंने टर्मरिक एंड सॉल्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो अगर आप ऐड ना करें तो इसके अकॉर्डिंग डालें, ऐड करें तो इसके अकॉर्डिंग डालें। बस क्या है, आपका पास्ता 2 मिनट में झटपट तैयार हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।